देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बाद लालटेन के जमाना गईल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ सेंटर को आप सभी का स्वागत है। बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 और कृषि संबंधी 3 नए कानूनों पर कांग्रेस सहित विपक्ष के रुख की कड़ी आलोचना की और साथ ही साफ शब्दों में कहा कि देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने रोहतास में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला किया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था तब इन्होंने कैसा भ्रम फैलाया था। कांग्रेस पर परोक्ष प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब राफेल विमानों को खरीदा गया तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जब जब बिचौलियों और दलालियों पर चोट की जाती है तब तब ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज हालत यह हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने में भी नहीं हिचकिचाते। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, राजग की सरकार ने लिया, आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 फिर लागू कर देंगे। मोदी ने कहा, मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से कहना चाहता हूं कि ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें लेकिन देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या बड़ी बात कही। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान
शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए शुक्रवार को सवाल किया कि हिंदुस्तान की जमीन से चीन को कब भगाया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हाल में बनाए गए कृषि संबंधी तीन कानूनों, जीएसटी, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन और नोटबंदी सहित कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। रैली के दौरान राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में लोगों से पूछा, नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आप लोगों को, मोदी जी के भाषण कैसे लगे। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी ने कहा है कि बिहार के हमारे जो सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं, पूरा देश बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। उन्होंने सवाल किया, बताएं कि चीन के सैनिकों को हिंदुस्तान की धरती से कब भगाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने कैसे निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर। कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं इनको आप बाहर कब निकालोगे। सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए।